हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है शामी कबाब। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही क्रिस्पी ये बने हैं, तो वीडियो आप भी ज़रूर देखिए और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। यहाँ पर मटन मैंने लिया है 1 kg, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। आप इसके प्लेस पे बीफ भी ले सकते हैं। 1 tablespoon हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। नमक ले लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप एडजस्ट कर लें। मैंने 1/2 tablespoon लिया है। लाल मिर्च पाउडर 1 tablespoon, काली मिर्च 1/2 teaspoon, दालचीनी 1 inch, इलायची 1 pod, लौंग 4, शाही जीरा 1/2 teaspoon, तेज पत्ता 2, ऑयल 1 tablespoon। अभी हम यहाँ पर ले लेंगे चना दाल, 200 ग्राम्स मैंने लिया है। इसे 30 मिनट्स के लिए मैंने सोक किया था। अभी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसे। इस सारे मिक्सचर को हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। वाटर ले लेंगे 1 cup, अराउंड 150 ml। अभी हम इसे प्रेशर कुक करेंगे 4 whistles तक। देखिए, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है इसे रिड्यूस कर लेंगे और यहाँ पर ये तेज पत्ता हम बाहर निकाल लेंगे। अभी इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी देखिए, धनिया पत्ता डालेंगे, लेमन डालेंगे 1/2, हरी मिर्च 2-3, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह ये स्मूथ एंड परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा कर ब्लेंड करना है क्वांटिटी। अभी यहाँ पर हम ले लेंगे ऑयल। ऑयल को हम हैंड्स पर ग्रीस करेंगे और एक छोटा वाला अमाउंट ले लेंगे और हम इसे कबाब का शेप देंगे। यहाँ आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसे राउंड शेप दिया है। अभी हम इसी तरह सारे कबाब्स रेडी कर लेंगे। देखिए, ये रेडी है फ्राई होने। ऑयल को मैंने गरम करने रखा है ताकि हम शैलो फ्राई कर सकें। देखिए, अभी शैलो फ्राई करेंगे और हम यहाँ पर इसे ड्रॉप करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। दोनों साइड से हमें इसे फ्राई कर लेना है अच्छे से। बिल्कुल जेंटली आप इसे फ्लिप कीजिए। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं एंड साथ ही बहुत ही क्रिस्पी भी लग रहे हैं। अभी हम इसे बाहर निकाल लेंगे। शामी कबाब बनकर रेडी है।